हाईवे पर सेक्टर 12 के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त होने से बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही उनको सूचना मिली कि हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वह मौके पर पहुंचे और तुरंत सहायता मुहैया करवाई। घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि घायल व्यक्ति जिंदा है या मुर्दा, जिसको हॉस्पिटल में डॉक्टर के इलाज के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यहां हम आपको बता दें कि दुर्घटना होने के काफी देर तक युवक सड़क पर तड़पता रहा, परंतु 20-25 मिनट के बाद उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। इस प्रकार के हादसों से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। लोगों को चाहिए कि घायल व्यक्ति को तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में मारा ना जा सके। एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पास कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अभी आप मौके पहुंचो सेक्टर 12 के कट पे, जी रोड पे जो कटता रास्ता बैक साइड से डगराउंड से, तो यहाँ 2-3 मोटरसाइकिल शायद भिड़ चुकी हैं आपस में। तो मौके पहुँचे, मौके पर जो है एक आदमी अनकॉन्शियस रोड के बीच में पड़ा था जी। और एक बाइक एक साइड में थी, एक बाइक दूसरी साइड में, शायद पुलिस वाला ने की होगी जी। एक बाइक बीच में रोड के बीच में पड़ी थी, वो मैंने आके उठाई है। उसको मैंने कोशिश की है कि शायद उसकी सांसें चल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें शायद सांस हो। बाकी वो काम डॉक्टर का, अभी अनकॉन्शियस है या रोड डेड है वो बताएंगे, अभी कन्फर्म नहीं हुआ। बाकी आए हैं उसके, कोई मुझे मिले नहीं है कौन आए उनके। तो एक्सीडेंट क्या आमने सामने की टक्कर हुई ये नहीं कभी क्लियर हुआ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ जी, भाई उनका आमने सामने हुआ है, कोई साइड लगी है, कैसे लगी है, अपने आप गिरे हैं। तो दोनों घायल हैं? एक हाँ, दो घायल हैं, एक गंभीर और एक अनकोशिश है। अब उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, ज्यादा सीरियस है जी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।